का जो लिस्ट ऑफ फंक्शंस बना रहे हैं उसमें आखिरी लॉट है. पहला लॉट अल्जेब्रिक फंक्शंस एक्स रेस टू द पावर ऑफ एन, वेयर एन इज एनी रैशनल नंबर. ऐसा कोई भी फंक्शन को हम लोग अल्जेब्रिक बोलते हैं. एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 1/3, एक्स टू द पावर -5/7. इस तरह का हम जब एक्सप्रेशंस लिखेंगे तो इसको हम लोग अल्जेब्रा बोलते हैं. या इनका कोई कॉम्बिनेशन भी बनाए हम, 5 × x³+7/x² - √x+9, ऐसा एक फंक्शन बनाएंगे तो इसको भी हम लोग अल्जेब्रिक फंक्शन बोलेंगे. दूसरा लॉट था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. यही हमारा भाषा है और फिजिक्स. कोई भी बात हमको प्रकृति के बारे में करना होगा, एनी लॉ ऑफ नेचर, तो हम लोग इसी में से किसी एक फंक्शन का उपयोग करेंगे. तो इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये. और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाने जा रहे हैं वो देखने में इस शक्ल का होगा, सम नंबर टू द पावर एक्स, ऐसा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्स टू द पावर ए ऐसे लिख देंगे ना, तभी अल्जेब्रिक फंक्शन बोलेंगे इसको, और ए टू द पावर एक्स बोलेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे. जब इस तरह से लिखेंगे तो यहां ए तय हुआ था कि कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं. एक्स टू द पावर -5/7 ऐसा फंक्शन भी हम लोग डिफाइन कर दिए हैं. इसका क्या मतलब है सो भी हम लोग जानते हैं. दिस इज सेम एज 1/x^5/7 एंड विच इज सेम एज 1/x^5^1/7. मतलब वेरिएबल टू द पावर 5, फिफ्थ पावर ऑफ द वेरिएबल, और फिर उस नंबर का सेवेंथ रूट, और फिर उस नंबर का रेसिप्रोकल, यही लिखा है. तो यानी हम यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर एक असाइन कर सकते हैं. उसी प्रकार अब देखें कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाएंगे, कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पे जो बेस में लिखे हैं ए उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है. ए एक नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1. यानी फैक्ट्री है ए टू द पावर एक्स, और एक फैक्ट्री है लॉग, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के केस में पावर में लिखा हुआ है. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जो ए है सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 0 भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, और ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए. जैसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, वैसे ही देखेंगे आप कहेंगे कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसको 2^x^2. हम डोमेन नहीं बताए हैं अभी, डोमेन ऑफ डेफिनेशन डिफरेंट चीज है. इस फंक्शन में एक्स के स्थान पे कौन कौन वैल्यूज अलाउड है अभी हम बता रहे हैं कि किस तरह के फंक्शंस को कहते हैं एक्सपोनेंशियल. जैसे एक्स टू द पावर 5/7 का डोमेन अलग है चीज, ये सेवेंथ रूट लेना है, तो यहां पे उस नंबर का को रेस करना है टू द पावर 5. हाँ, तो कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, किसी भी नंबर का सेवेंथ रूट ले सकते हैं. तो इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑल रियल नंबर्स, और यही एक्स टू द पावर 5/6 लिखें तो एक्स का पहले सिक्स रूट लें और फिर उस नंबर को रेस करें टू द पावर 5. अब सिक्स रूट सब नंबर का नहीं ले सकते हैं, सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स का ले सकते हैं, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का नंबर्स के लिए डिफाइंड है ये. तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन अभी नहीं बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि आप किस तरह के फंक्शंस को कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. जो बेस में लिखा हुआ जो नंबर है ए, वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है 1 छोड़ के. जैसे हम अगर इस तरह का कोई नंबर लिखते हैं 3.2 to the power x, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. 0.7 to the power x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. π to the power x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. कोई भी नंबर हो सकता है एक स्थान पे, पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए. यहां लेकिन याद कीजिए, अलजेब्रा में था कि अगर x टू द पावर a लिखते हैं तो a सिर्फ रैशनल नंबर होना चाहिए. यानी x टू द पावर पाई अगर इस तरह का फंक्शन लिखते हैं तो ऐसा कोई फंक्शन हम लोग बना ही नहीं है. इट इज अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट फॉर अस, ये इरेशनल नंबर हो गया. अलजेब्रा में x टू द पावर एक्सपोनेंट में जो नंबर लिखा हो वो नेसेसरीली एक रैशनल नंबर होना चाहिए, सम इंटीजर बटे इंटीजर, 5/6 लिख के 5/7 -2/3, कुछ भी रैशनल होना चाहिए.
लेकिन यहां पे हम नहीं ऐसा बोले कि रैशनल होना चाहिए बेस को. बेस कैन बी एनी नंबर नॉट इक्वल टू वन. बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना. सबसे पहले तो हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह के फंक्शंस को हम लोग बना रहे हैं. हम ही लोग बना रहे हैं. ए टू द पावर एक्स टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे भविष्य में, जहां एक कोई भी रैशनल इरैशनल पॉजिटिव होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए. माइनस 0.3 टू द पावर एक्स, ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ कहीं देखें आप तो तुरंत समझ जाए कि इट इज मीनिंगलेस. आप पूछ बैठना चाहिए क्या लिखे हो. लिखना वही है जो डिफाइंड है. अगर कहीं पे कोई लिख दे स्टार ऑफ एक्स तो हम पूछेंगे ना कि क्या लिखे. अगर आप डिफाइन कर दीजिए स्टार ऑफ एक्स को कि स्टार ऑफ एक्स का मतलब रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स बटे 3 raised to the power minus x plus 9 का स्क्वायर रूट, तो हम समझ जाएंगे क्योंकि इसमें सारा बात लिखा हुआ हम समझ रहे हैं. स्क्वायर रूट फंक्शन पहले से समझते हैं क्या मीन कर रहे हैं. स्क्वायर का मतलब समझते हैं, साइन का मतलब, और अभी हम 3 raised to the power of minus x का मतलब समझ जाएंगे आज. तो हम लोग पहला चीज डिसाइड किए कि किस तरह के फंक्शंस को आज हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं. ए रेस टू द पावर ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन जहां ए कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है वन छोड़ के. और अब इसका डोमेन कि किस तरह के नंबर्स के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं इस फंक्शन को. एक एग्जांपल लेते हैं. 2 to the power x इज वन एग्जांपल ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जैसे x to the power 2 इज वन एग्जांपल ऑफ द होल लॉट ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के दुनिया में 0.2 to the power x, 1/3 to the power x, π to the power x, इस सब तरह का फंक्शंस का झुंड है ये जिसको एक्सपोनेंशियल बोल रहे हैं. हाँ, इसमें आपको x to the power π अगर कोई लिख दे एल्जेब्राइक फंक्शंस के झुंड में तो तुरंत काट दीजिएगा कि नहीं नहीं ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. तो हम अगर इस दुनिया का एक फंक्शन का एग्जांपल लें और इसको एनालाइज करें, जैसे कैसे एक्स स्क्वायर को डिफाइन कर दिए, इसका मतलब था स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब था एक्स इंटू एक्स. तब हम इसको डिफाइन किए कि इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स. फिर हम हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाले. माइनस वन डाले तो वन आया, स्क्वायर किए. जीरो डाले तो जीरो आया. माइनस टू डाले तो फोर आ गया. वन डाले तो वन आया. टू डाले तो फोर आया. थ्री डाले तो नाइन आया, वगैरह वगैरह. सबको हम प्लॉट किए. माइनस वन पे वन, माइनस टू पे फोर, माइनस थ्री पे नाइन, जीरो पे जीरो. सबको ज्वाइन किए, देखे कि ये एक इवन फंक्शन है. पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है. इसका लीस्ट वैल्यू जीरो रिटर्न करेगा. अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, लोएस्ट वैल्यू जीरो है. ये सब चीज़ हम लोग एनालाइज किए इस फंक्शन के बारे में, तब कहे कि अब हम लोग इस फंक्शन को समझ गए. तो हम लोग जरा 2 to the power x को एनालाइज करके देखें. आप इसमें डालते हैं नंबर्स. इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स. अब ये डोमेन हो गया. जितना भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दे आर ऑल डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स. एल्जेब्रा में ऐसा नहीं था. एल्जेब्रा में x to the power -1 भी एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, x to the power 5/3 भी एक फंक्शन है, x to the power -5/4 भी एक फंक्शन है. इन सब का डोमेन क्या है तो हर का अलग अलग. एक्स स्क्वायर का डोमेन था ऑल रियल नंबर्स, लेकिन x to the power -1 यानी 1/x यही मत डिसाइड किया हम लोग. x to the power -1 लिखने का मतलब आपको समझना है 1/x लिखा है. इसका डोमेन था ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डोमेन था ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. तो हर फंक्शन का डोमेन अलग अलग था अलजेब्रा में. फॉर्चुनेटली इसमें सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डोमेन एक ही है, आर. ऑल दी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, चाहे आप पाई टू द पावर एक्स लिख दीजिए, चाहे 0.2 to the power x, 3 to the power x, 2 to the power x, 1/5 to the power x, विच मीन्स 5 to the power minus x. 1/5 का मतलब 5 to the power minus 1 को ऐसे भी लिखते हैं. टू द पावर एक्स विच इज 5 to the power minus x. हम लोग 10वां क्लास में कुछ अलजेब्रा ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं. 2 to the power 3 का मतलब होता है 2 into 2 into 2, तीन बार. 2 to the power 3 into 2 to the power 4 का वैल्यू कितना होगा, इट इज सेम एज 2 to the power 3 plus 4, यानी 2 to the power 7. इसी को कहते हैं अलजेब्रा ऑफ एक्सपोनेंट्स.
2 टू द पावर माइनस 3 का मतलब आपको समझना है 1 बाई 2 टू द पावर 3 लिखा है, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 का मतलब समझना है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 चार बार, यानी 2 टू द पावर 3 इंटू 4 यानी कि 2 टू द पावर 3 टाइम्स 4 वही लिख रहे हैं। ये सब हम लोग क्लास 10th में कुछ कुछ सीखा है अल्जेब्रा ऑफ एक्सपोनेंट्स। आई को मुश्किल नहीं है ना, अगर आप 2 क्यूब का मतलब डिफाइन किए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 टू द पावर 4 का मतलब तब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार, तब दिस इंटू दिस का क्या मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 सात बार, यही तो लिखे हैं। दिस इंटू दिस विल मीन दिस और 2 टू द पावर 3 बटे 2 टू द पावर 4 मतलब देखिए ऊपर में 2 इंटू 2 तीन बार, नीचे में 2 इंटू 2 चार बार, बचेगा 1 बाई 2 यानी 2 टू द पावर 3 माइनस 4 लिखते हैं इसको। कैसे 2 टू द पावर 4 का रेसिप्रोकल को ऐसे लिखते हैं, दिस इंटू दिस को 2 टू द पावर दिस प्लस दिस लिखते हैं तो बचेगा माइनस 1 विच मीन्स हाफ। तो ये सब चीज़ हम लोग 10वां क्लास से जानते हैं, उसको बोलते हैं अल्जेब्रा ऑफ एक्सपोनेंट्स। उस समय एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पढ़े थे बट ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता था गुना भाग करने में, तो हम लोग नंबर्स को पावर्स के रूप में एक्सप्रेस करना हम लोग सीखे थे। आज हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे।